हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल होम्योपैथी केयर। मैं डॉक्टर ज्योति आज आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वेट लॉस टॉपिक पे कि कैसे हम वेट लॉस कर सकते हैं विदाउट डाइटिंग के। तो कुछ हमारी दिनचर्या एक्सरसाइजेज होंगे जिनके हम हेल्प से वेट लॉस बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि अगर फास्ट वेट लॉस करना है तो उसमें हमें डाइटिंग और हमारी डाइट को मेंटेन करने के लिए कुछ प्रोटीन डाइट्स हमें लेना पड़ता है। लेकिन अगर हमें विदाउट डाइटिंग के वेट लॉस करना है, ये भी सबसे अच्छा और हेल्दी वेट लॉस होगा। जैसे कि हमारे दिनचर्या में कुछ चेंजेस लाना पड़ेगा। हम जब उठते ही हमें क्या करना है, वार्म वाटर लेना है, विथ हनी के साथ भी ले सकते हैं या लेमन वाटर भी ले सकते हैं या विदाउट उसके भी ले सकते हैं। 1 ग्लास हमें हल्का सा वार्म वाटर लेना है, जिससे हमारा मॉर्निंग में अगर जैसे कि कॉन्स्टिपेशन या एसिडिटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो पेट साफ होना क्लियर हो जाए। पेट साफ होने लगने के बाद से तो ऐसा होगा कि जो फैट जमा हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है इंटेस्टाइन के, उसमें तो वो क्लियर होगा, तो हमारा डाइजेशन अच्छा होगा। अब हम सेकेंड, जब हम नाश्ता करते हैं तो हमें नाश्ता थोड़ा हेल्दी लेना है। हेल्दी तो जैसे हमें स्पाइसी या जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी और कैलोरीज वाले डाइट है वो हमें कम करना है। तो हमें हेल्दी डाइट लेना है, जैसे कि फ्रूट्स हो गया, कुछ जूस हो गया। तो प्रायोरिटी जो रखना है वो हमें फ्रूट्स का रखना है या फिर स्प्राउट्स का। लंच में भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन या दाल वाले जो पल्सेस हो गई वो खाना, हमें कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च वाली कैलोरीज को कम करना है। जब हम शाम को चाय पीते हैं तो चाय में भी हम ग्रीन टी या लेमन टी ले सकते हैं या फिर हम सिंपल टी लेते हैं जिसमें मिल्क की क्वांटिटी या शुगर की क्वांटिटी हमें कम करना है। जब हम नाइट में डिनर करें तो डिनर हमें लाइट वेट करना है, जिसमें हमारी ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर कैलोरीज होनी चाहिए, जिसमें कि सैलेड या स्प्राउट्स के साथ में या पल्सेस हो सकती हैं या ग्रीन वेजिटेबल्स हो सकती हैं। इस तरह हम हमारी जो हाई कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट है उनको कम करके भी वेट लॉस, हम ईजी वेट लॉस कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ हमें 20 to 30 मिनट्स डेली एक्सरसाइज या योगा करना पड़ेगा, जिससे हमारे वेट लॉस में ईजी हो और हम हेल्दी रहें।